अस्सलामुअलैकुम, वी गोइंग टू स्टडी अबाउट द टॉपिक ऑटोसेक्लेरोसिस। इसमें सबसे पहले हम एनाटॉमी ऑफ द एयर रिवाइज कर लेते हैं। इसमें बाहर हमारे पास क्या होता है, एक्सटर्नल एयर होता है, देन वी हैव द मिडल एयर एंड देन वी हैव द इंटरनल एयर। ठीक है, सो इंटरनल एयर आपका ये ऑरेंज दिखाया हुआ है, इसमें आपके दो पार्ट्स होते हैं। क्या दो पार्ट्स होते हैं? इंटरनल एयर की अगर बात करें तो हमने पहले भी डिस्कस किया था, ये जो आपको लाइट पर्पल से बाहर दिखाया हुआ है, दिस इज़ योर बोनी लेबरिंथ। ठीक है, बोनी लेबरिंथ होती है ये, इसको हम लेबरिंथ भी कहते हैं ना इंटरनल एयर को। तो ये जो लाइट पर्पल है, दिस इज़ योर बोनी लेबरिंथ, और इसके अंदर ये जो आपको ब्लू कलर का दिखाया हुआ है, दिस इज़ योर मेम्ब्रेनस लेबरिंथ। ठीक है, मतलब बाहर हमारी बोन है और उसके अंदर क्या है, मेम्ब्रेनस लेबरिंथ है, मेम्ब्रेन है। ठीक है, मेम्ब्रेन है। सो ये हमारे पास एक्सटर्नल जो है इंटरनल एयर की एनाटॉमी होती है। अब हमने ये बात करनी है, जो हमारी बोन है ना, इसमें क्या होता है। इसमें फर्दर हम अगर देखें, ये आपको बोनी लेबरिंथ की फर्दर पार्ट्स दिखाए हुए हैं। इन्होंने बताया कि इसमें पेरिओस्टियल लेयर होती है, एंड ऑस्टियल लेयर होती है और एंड कॉन्ड्रल लेयर होती है। ये बिल्कुल जो बाहर आपको दिखाई हुई है ना, ये हमारे पास क्या है, पेरिओस्टियल लेयर है। ठीक है, और बिल्कुल अंदर जो है ये वाली, ये क्या है, एंड ऑस्टियल लेयर है। सो बिल्कुल बाहर क्या होगी, पेरिओस्टियल लेयर होगी, और बिल्कुल अंदर क्या होगी, एंड ऑस्टियल लेयर होगी। और दरमियान में ये जो आपको दिखाई हुई है ना, ये वाली, ये एंड कॉन्ड्रल लेयर है। ठीक है, ये तीनों आपने डिस्कस करना है, इसको भूल जाएं अभी, ये क्या चीज़ है, पेरिओस्टियल लेयर, एंड ऑस्टियल लेयर, और दरमियान में ये जो एंडोकॉन्ड्रल लेयर होती है, कार्टिलेज की। ठीक है, कॉन्ड्रल से आपको समझ आ रही है, कार्टिलेज है। सो बोनी लेबरिंथ में फर्दर ये तीन पार्ट्स होते हैं। अब होता क्या है कि जो हमारी एंडोकॉन्ड्रल लेयर होती है ना, कार्टिलेज होती है ना, तो ये हमारे पास पहले कार्टिलेज होती है, कहते हैं कि एंडोकॉन्ड्रल लेयर जो होती है वो कार्टिलेज से बनती है, और बाद में क्या होता है कि ये बोन में कन्वर्ट हो जाती है कार्टिलेज। ठीक है, कार्टिलेज बाद में क्या होती है, बोन में कन्वर्ट हो जाती है। ये नॉर्मल प्रोसेस होता है कि कार्टिलेज ने बोन में कन्वर्ट होना होता है एंडोकॉन्ड्रल लेयर में। लेकिन अगर ऐसा हो कि हमारी कार्टिलेज बोन के अंदर कन्वर्ट ना हो, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर स्पंजी बोन रह जाती है। ठीक है, मतलब यहाँ पर पहले कार्टिलेज ने होना था, उसने बाद में बोन में कन्वर्ट होना था, और ये नॉर्मल प्रोसेस होता है हमारी बोनी लेबरिंथ में, ये रिक्वायर्ड होता है ताकि वो एक सपोर्ट प्रोवाइड करे हमारी मेम्ब्रेनस लेबरिंथ को। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता कि कार्टिलेज बोन में नहीं कन्वर्ट होती, तो ये वहाँ पे स्पॉन्जी बोन बना देती है। अब देख, खुद सोचे, स्पॉन्जी बन गई है वहाँ पे, सारा स्पॉन्ज रह गया हुआ है वहाँ पे। ठीक है, तो वो अच्छी वाली बोन तो नहीं बनेगी ना, बोनी लेबरिंथ अच्छी वाली तो नहीं बनेगी। अब हमें ये भी पता है कि जो हमारी स्टेपीज होती है ना, ये जैसे आपको स्टेपीज दिखाई हुई है, बिल्कुल बाहर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, देन वी हैव द मेलस, देन इनकस एंड देन स्टेपीज। अब स्टेपीज जो होती है, इनर एयर के साथ कनेक्टेड होती है थ्रू द ओवल विंडो। ये आपको ओवल विंडो नज़र आ रही है ना, अब ये हमारे ओवल विंडो के थ्रू इनर एयर के साथ कनेक्टेड है, मींस दैट आपकी बोनी लेबरिंथ के साथ कनेक्टेड है। अब खुद सोचें, बोन तो हमारी सही बनी नहीं है, क्योंकि कार्टिलेज जो है बोन में कन्वर्ट नहीं हुई, स्पंजी बन गई है। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, अब जब ये नॉर्मल हमारी बोन नहीं बनेगी ना, तो ये जो स्टेपीज की फुट प्लेट होती है ना, स्टेपीज का ये फुट प्लेट होती है जिसके साथ ओवल विंडो के साथ कनेक्टेड होती है, ये अंदर ही घुस जाएगी उसके अंदर। सोच सोते स्पॉन्ज पड़ा हुआ है एक, ठीक है, स्पॉन्ज के अंदर ये इसकी जो फुट प्लेट होगी घुस जाएगी, तो अंदर ही उसकी धंस जाएगी ना एक किस्म की। तो ये जब धंस जाएगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, अंदर फिक्स हो जाएगी। ठीक है, तो क्या होगी, होगा ना इस तरह से स्टेपीज की, ये क्या है, ये स्टेपीज है, यहाँ पे इसने फुट प्लेट के थ्रू अटैच होना था हमारी ओवल विंडो के साथ। तो ये देखें हमारे क्या हुआ, फुट प्लेट ऑफ स्टेपीज, यहाँ पे इसकी ऑटोसिक्लेरोटिक एनकलोसिस होगी, फिक्स हो गई, अंदर ही जम गई है, ऐसे फिक्स हो गई है। ठीक है, तो अब क्या होगा फिक्सेशन की वजह से, अब ये नॉर्मल हमारे पास यहाँ पे तो स्टेपीज बिल्कुल नॉर्मल है ना, यहाँ पे देखें कितनी अच्छी वाइब्रेट कर रही है और हमारी साउंड को ट्रांसमिट कर रही है इनर एयर में। लेकिन अगर ये यहाँ पे फिक्स हो जाएगी, तो इस तरह से ये वाइब्रेट नहीं कर पाएगी, फिक्स हो जाएगी, साउंड को आगे इनर एयर में नहीं पहुँचा पाएगी। ठीक है, साउंड हमारी इधर ही फंस जाएगी और हमें सुनाई नहीं देगा। कौन सा, कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होगा ना पेशेंट को, क्योंकि हमारे मिडल एयर में प्रॉब्लम आ रही है। सो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होगा प्रोग्रेसिव, ऐसा ऐसा ज़्यादा होता जाएगा। तो ये एक्चुअली हमारे पास बताया हुआ है ना कि बोन ग्रोथ हो गई है, स्पंजी बोन, जिसकी वजह से स्टेपीज फिक्स हो गई है और अब साउंड को अंदर ट्रांसमिट नहीं कर पाएगी। ठीक हो गया, सो इसको हम ऑटोसेक्लेरोसिस भी कहते हैं, मीन्स दैट कि हमारी जो बोन होगी वो, ठीक है, सेक्लेरोज हो जाएगी, थिक हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। और स्पॉन्जियोसिस क्यों कहते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो न्यू बोन बनी है वो स्पंजी बोन है। ठीक है, कार्टिलेज जो है वो हमारी बोन के बजाय स्पंजी बोन बना रही है। एनाटॉमी ऑफ द लेबरिंथ मैंने आपको बता दी सारी कि क्या होती है, और उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया कि इसकी थ्री लेयर्स होती हैं, जो मैंने आपको फिगर्स से दिखाया।
ऑटोसिक्लेरोसिस की डेफिनेशन आपने देख लेनी है कि इसको आप कहते हो कि प्राइमरी डिजीज़ होती है, जिसमें क्या होता है कि स्पंजी बोन ले हो जाती है और वो रिप्लेस करती है हमारी नॉर्मली जो एंडकोंड्रल लेयर होती है बोनी कैप्सूल की, ठीक है, उसकी जगह पे आ जाती है स्पंजी बोन, ठीक है। और ये ज़्यादातर किसको इन्वॉल्व करती है, स्टेपीज को, और स्टेपीज की कौन सी पार्ट को, फुट प्लेट ऑफ द स्टेपीज को, ठीक है, क्योंकि स्टेपीज का तो हेड भी होता है, तो अब हमारे पास और भी उसके पार्ट्स होते हैं, तो फुट प्लेट को वो इन्वॉल्व करती है। ये आपने याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है आपका, ठीक है। उसके बाद ये और भी रीजंस को इन्वॉल्व करती है, लेकिन मोस्ट कॉमनली ये स्टेपीज की फुट प्लेट को इन्वॉल्व करती है, ठीक है। अब इसका कॉज क्या होता है, कॉज हमें नहीं पता, एनाटॉमिकल बेसिस मैंने आपको बता दिए कि हमारे पास क्या होता है कि कार्टिलेज जो रेस्टल्स होते हैं जिन्होंने हमारे पास एक्चुअली बोन बनानी होती है वो स्पंजी बोन बना देती है, ठीक हो गया, इसका कॉज। सो इसके जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं, मीन्स दैट ऑटोसिक्लेरोसिस किन लोगों में ज़्यादा कॉमन होता है, सबसे पहले तो ये आपको नज़र आ रही है, शी इज़ अ फीमेल, ठीक है, और यंग एज की फ़ीमेल होती है, मोस्टली आपकी 20 to 40 या 20 to 30 ईयर्स की फ़ीमेल्स होती हैं यंग एज की, उनमें ये ज़्यादा कॉमन होता है, ठीक है। और ये यंग एज में तो आपको लग रही है, लेकिन साथ साथ आपको ये लग रहा है कि ये वाइट रेस से बिलोंग कर रही है, सो वाइट है, वाइट रेस से बिलोंग कर रही है। इसके अलावा ये कि ये प्रेग्नेंट है, सो प्रेगनेंसी में जो है हमारे पास ऑटोसिक्लेरोसिस का ज़्यादा इशू क्रिएट हो जाता है, ठीक है। सो ये आपको पता होना चाहिए। और साथ में क्या होता है, हेरिडिटरी भी होता है, मींस जीन्स में ट्रांसमिट होता है। सो हेरिडिटरी में आपने याद रखना, ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है ये, एमसीक्यू आपका ये। और इसके अलावा मैंने आपको बता दिया सेक्स, एज, रेस इफेक्ट होती है। इसके अलावा दूसरे फैक्टर्स भी इफेक्ट होते हैं, जिसमें प्रेगनेंसी मैंने आपको बता दिया, और मीनोपॉज के दौरान जो है ये डेफनेस ज़्यादा क्रिएट हो जाती है, मतलब पहले से अगर हो तो उसमें डेफनेस ज़्यादा हो जाएगी मीनोपॉज में। सो ये आपने रिस्क फैक्टर्स याद रखने हैं। इसके अलावा आपको पता होगा कि आपके पास एक डिजीज़ होती है ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, जिसमें क्या होता है आपकी पूरी बॉडी की जो बोन्स होती हैं वो इम्परफेक्ट बनती हैं, सही नहीं बनती, ठीक है, जिसकी वजह से पेशेंट को क्या होता है, मल्टीपल फ्रैक्चर्स होते हैं, और साथ में उसको ये भी होता है ऑटोसिक्लेरोसिस भी होता है, उसका ब्लू स्क्लेरा होता है, और उसके दांत भी सही नहीं बन रहे होते, मींस एज अ होल उसकी बॉडी पे इफेक्ट आ रहा होगा। तो अगर आपको ऑटोसिक्लेरोसिस का कोई पेशेंट मिलता है, तो आपने उसको पूरा देखना है कि क्या उसको बाकी साइंस हैं, उसको ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा तो नहीं है जिसकी वजह से उसको हुआ हुआ है ऑटोसिक्लेरोसिस, ठीक है, तो ये आपने देखना। सो ये जो हमारे पास होते हैं ना ऑस्टियोसिक्लेरोसिस के जो लोग रहते हैं ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्ट में, इसमें ना ट्रायड आता है, ऑस्टियोसिक्लेरोसिस होती है, ऑटोसिक्लेरोसिस, उनको ब्लू स्क्लेरा होता है उनका जैसे आपको नज़र आ रहा है, और ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, इन तीनों का जो हमारे पास होता है ना, मतलब ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, ब्लू स्क्लेरा एंड ऑटोसिक्लेरोसिस, इस सारे को हम कहते हैं वैंडरहॉफ सिंड्रोम, ठीक है, ये आपने याद रखना है, ये आपके बुक में भी लिखा हुआ है। सो ये मैंने आपको बता दिया, ये सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा में। और इसके साथ साथ हम आपके पास जो है ना मीजल्स इन्फेक्शन, ये भी आपका रोल प्ले करता है, इसमें भी हमारे पास चांसेस होते हैं वायरल इन्फेक्शन में, ठीक हो गया। इसके अलावा पेजर्स डिजीज़ में भी, ठीक हो गया। उसके बाद हम टाइप्स देख लेते हैं इसकी जो होती है ना, हमारे पास 5 टाइप्स होती हैं। स्टेपीडियल होता है, जो मैंने बताया मोस्ट कॉमन होता है, फुट प्लेट और स्टेपिस को इन्वॉल्व करता है। कॉकलियर होता है, ठीक है, कॉकलिया को इन्वॉल्व करता है ये। इसमें आपने याद रखना, कॉकलिया में वैसे तो यहाँ पे स्टेपीडियल में कॉन्डक्टिव हेयरिंग लॉस आ रहा होता है ना, कॉकलिया में क्या होता है कि सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस आ रहा होता है, ठीक है। हिस्टोलॉजिक जो होता है ना, ये भी आपके पास ऑटोसिक्लेरोसिस होता है, इसमें ये एसिम्टोमेटिक होता है। और दो और होते हैं जो आपके बुक में लिखे हुए, मैलिग्नेंट होता है एक, और एक मिक्स्ड होता है, ठीक है। अब ये हमारे पास इसकी 5 टाइप्स होती हैं, और स्टेपीडियल और ऑटोसिक्लेरोसिस है, उसकी फर्दर जो है ना आगे से टाइप्स होती हैं वो हम देख लेते हैं इस फिगर से। ये देखें हमारे पास कि अगर तो आपके स्टेपीज के एंटीरियर पार्ट को इन्वॉल्व किया हुआ है, सो दिस इज़ द एंटीरियर फोकस, ठीक है। अगर आपके जो है स्टेपीज का जो पीछे वाली फुट प्लेट का पीछे वाला पार्ट है उसको इन्वॉल्व किया हुआ है, दिस इज़ द पोस्टीरियर फोकस। अगर ये पूरी स्टेपीज को सर्कमफ्रेंशियल इन्वॉल्व किया हुआ है, तो ये सर्कमफ्रेंशियल होगा, ठीक है। और ये आपके पास जो इस तरह से इन्वॉल्व होगा, दिस इज़ द बिस्किट टाइप, बिस्किट जैसे होता है ना वैसे आपको नज़र आता है, एंड दिस इज़ एक्चुअली कि बिस्किट, ठीक है, बिस्किट होता है ना कुकी टाइप उस तरह का। और ये वाला जो है इसमें पूरा का पूरा इन्वॉल्व हुआ है, ऐसे ऑब्लिट्रेशन होगी हुई है सारी, मतलब पीछे भी स्प्रेड किया हुआ है ना, सो दिस इज़ अ ऑब्लिट्रेटिव टाइप। तो ये 5 टाइप्स होती हैं, ये भी आपको आनी चाहिए, ठीक है। एंटीरियर, पोस्टीरियर, सर्कमफ्रेंशियल एंड बिस्किट एंड द ऑब्लिट्रेटिव। पैथोफिजियोलॉजी इसकी क्या होती है, सबसे पहले तो हमने इसके कॉज देख लिए ना, कौन कौन से होते हैं, एज, प्रेगनेंसी वगैरह, उसकी वजह से क्या होता है, अल्टीमेटली जेनेटिक फैक्टर्स वगैरह भी होंगे और वायरल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं एंड ऑल दैट। उसकी वजह से क्या होगा कि जो नॉर्मल हमारा ऑटिक कैप्सूल होगा
उसकी जगह स्पॉन्जी बोन आ जाएगी। स्पॉन्जी बोन आएगी तो जिसकी वजह से फुट प्लेट जो है वो फिक्स हो जाएगी स्टेपीज की, उसकी वजह से क्या होगा हमारे पे वाइब्रेशंस आगे नहीं जा पाएंगी कॉकलिया में, और उसकी वजह से क्या होगा पेशेंट को कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होगा। और अगर तो हमारे पास कॉकलियर भी इन्वॉल्वमेंट है तो उसकी वजह से आपके पास जो है सेंसोरी न्यूरल भी हो सकता है। इट इज़ द सेम, आप यहाँ पे इसको भी रीड कर सकते हो पैथोफिजियोलॉजी के लिए, और आपको पता होना चाहिए कि क्या इसका फिनोमेना होता है। उसके बाद इसके सिम्टम्स क्या होंगे, एक तो सिम्टम मैंने आपको बता दिया कि कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होता है बिकॉज टेपीज जो है वो आगे से साउंड को ट्रांसमिट नहीं कर पा रहा। दूसरा इसका जो होता है वो टिनाइटिस होता है। टिनाइटिस क्या होता है कि रिंगिंग सेंसेशन आती है कानों में, उसको आप टिनाइटिस कहते हो, ठीक है। और ये जो है ना आपका इसका सिम्टम होता है, मोस्टली एक कॉकलियर टाइप में होता है, जो इसकी कॉकलियर टाइप होती है उसमें। इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका सिम्टम होता है जो कि है पैराक्यूसिस विलिसाई, ठीक है, पैराक्यूसिस विलिसाई, ठीक है। यह क्या होता है कि अगर तो पेशेंट जो है वो बिल्कुल जो है नॉर्मल इन्वायरमेंट में है, जैसे हम घर में आमतौर पर उठते हैं और नॉइजी इन्वायरमेंट में नहीं होते, तो उस दौरान पेशेंट को कम सुनाई देता है, ठीक है। लेकिन जब ये किसी नॉइजी प्लेस में आ जाता है, एज यू कैन सी इन दिस फिगर कि ये नॉइजी प्लेस है, बहुत ज़्यादा शोर है इर्द गिर्द, तो ये जो पर्सन है जिसको ऑटोसिक्लेरोसिस होगा, ठीक है, दूसरा पर्सन क्या करेगा उस नॉइजी इन्वायरमेंट में ऊंचा बोलने की कोशिश करेगा। जब वो ऊंचा बोलेगा तो फिर पेशेंट को सुनाई देगा, ठीक है। तो इट मीन्स दैट कि अगर तो पेशेंट जो है वो क्वाइट इन्वायरमेंट में है तो उसको जो है इतना अच्छा सुनाई नहीं देगा, लेकिन नॉइजी इन्वायरमेंट में उसको ज़्यादा अच्छा सुनाई देगा इन द ऑफ द पेशेंट ऑफ ऑटोसिक्लेरोसिस, उसको आप कहते हैं पैराक्यूसिस विलिसाई। क्यों? क्योंकि नॉइजी इन्वायरमेंट में जो लोग होते हैं वो ऊंचा बोलने की कोशिश करते हैं ताकि दूसरे को सुनाई दे, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जो इसकी स्पीच होगी वो हमारे पास मोनोटोमस स्पीच होगी, ठीक है, मोनोटोमस स्पीच होगी। बहुत ही बंदा धीमा बोल रहा होगा, मतलब बहुत ही लाइट सा बोल रहा होगा, और साथ में जब वो बोलेगा तो बिल्कुल ही मोनोटोमस, मतलब कि कोई पिच उसकी चेंज नहीं हो रही होगी, सेम टोन में वो बोल रहा होगा, जैसे हम बोल रहे होते हैं ना कि ऊंचा नीचे और इस तरह से, ठीक है। लेकिन ये लोग ना ऐसे राम मतलब बोल रहे होते हैं अच्छा ऐसे करके, ठीक है, मतलब इस तरह से ना मोनोटोमस स्पीच होती है उनकी। तो यही आपके बुक में लिखे हुए हैं सिम्टम्स के, हेयरिंग लॉस होगा उसको, पैराक्यूसिस विलिसाई होगा, टिनाइटिस होगा, बट आईगो इतना कॉमन नहीं होता, ठीक है, और स्पीच उसकी मोनोटोमस होगी, सॉफ्ट स्पीच होगी। फिर हम बात करते हैं इसके साइंस की। साइंस ये होता है ना कि प्रॉब्लम कहाँ चल रही है, हमारे स्टेपीज में, तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या होगी, नॉर्मल होगी, बिल्कुल सही होगी, लेकिन हमारे स्टेपीज में प्रॉब्लम आई होगी, ठीक हो गया। और यूस्टेशियन ट्यूब भी हमारी बिल्कुल नॉर्मल होगी, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बिल्कुल नॉर्मल होगी। श्वार्ट्ज साइन होता है इन लोगों में, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। आपको पता है ये प्रोमोंट्री क्या होती है, ये जो हमारे पास कॉकलिया का बल्ज होता है ना यहाँ पे करके मिडल ईयर के अंदर, इसको हम प्रोमोंट्री कहते हैं। अगर इस प्रोमोंट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा रेडनेस आपको नज़र आए ना, रेडिश ह्यू नज़र आए, तो वो आपको श्वार्ट्ज साइन देता है। किस तरह का शो होता है वो, इस तरह से आप जब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे देखते हो ना, तो पीछे से जब प्रोमोंट्री के ऊपर आया होता है रेडनेस, कलर रेडनेस आई होती है, तो वो आपको फ्लेमिंगो पिंक अपेरेंस देता है। जैसे ये फ्लेमिंगो होती है ना, इसकी गर्दन की तरह की ऐसे करके आपके पास साइन आता है, ठीक है, उसकी गर्दन जैसे होती है ना इस तरह करके, वैसे आपको साइन नज़र आता है, रेडनेस नज़र आ रही होती है इस रीजन में, ठीक है। तो इसको आप कहते हो कि ये श्वार्ट्ज साइन है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में वैसे तो हमारे पास नॉर्मल होती है ना, लेकिन पीछे क्योंकि प्रॉब्लम चल रही होती है, एक्टिव फोकस होता है, वैस्कुलैरिटी इंक्रीज हुई होती है, तो उस केस में हमारे पास ये श्वार्ट्ज साइन आता है, ठीक है, तो इसको आप कहते हो। अब इस दौरान जब आप ये श्वार्ट्ज साइन देखते हो ना, इसका आपके पास इंपॉर्टेंस ये होती है कि आपने इस दौरान सर्जरी नहीं करनी होती। आगे हम देखेंगे कि ऑटोसिक्लेरोसिस की कौन सी सर्जरी होती है, तो वो आपने इस केस में नहीं करनी होती। फिर आप मेडिसिन देते हो पेशेंट को, सर्जरी नहीं करते उस केस में, ठीक है। तो ये आपके पास रेडिश ह्यू, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, और ये आपको क्या बताता है, एक्टिव फोकस बताता है ऑफ द इंक्रीज वेस्कुलरिटी एट द प्रोमोंट्री। दिस वाज अ वेरी गुड पिक्चर जिसमें आपको दिखाया हुआ स्टेपीडियस टाइप, एंटीरियर पोस्टीरियर सर्कमफ्रेंशियल बिस्किट टाइप एंड द ऑब्लिट्रेटिव टाइप, ठीक हो गया। तो इसकी डायग्नोसिस हमने जो साइंस देखने होते हैं वो ये कि वैसे तो ऑटोस्कोपी पे हमें टिम्पैनिक मेम्ब्रेन नॉर्मल मिलती है, लेकिन क्या होता है कभी कभार हमें, मतलब कभी नहीं मतलब मिलती ही है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ठीक होती है। मींस इनका मतलब ये कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ठीक है, पीछे मसला हुआ है, ठीक है। श्वार्ट्ज साइन मिलता है रेडिश ब्लूइश ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ओवर द प्रोमोंट्री, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये मिलता है, और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट MCQ। बाकी इसकी जो है ट्रीटमेंट वगैरह हम नेक्स्ट पार्ट से करते हैं।